गाजियाबाद सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने विपक्ष की जाति जनगणना की मांग और रामचरितमानस के विवादित बयान के मुद्दे पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास राजनीति करने के लिए इसके सिवाय कोई काम नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का कोई स्टैंड ही नहीं रह गया है। इस दौरान उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में जनता को केंद्र और राज्य सरकार के बजट की बारीकियों पर भी चर्चा की, उसके फायदे गिनाए। केंद्र सरकार के बजट के फायदे गिनाने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर जनरल वीके सिंह हैं, पहुँचे हैं गाजियाबाद में, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बजट में क्या खास था, क्या विशेषता, क्या मिला लोगों को, ये बताने के लिए पहुँचे। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या था खास बजट में, गाजियाबाद की जनता को आज आप बताने हैं, देश की जनता को भी बताने आए हैं आप। ये बजट देश के अगले 25 साल का बजट है, देश को एक नई दिशा देने का बजट है। ये बजट समावेशी विकास का बजट है। ये बजट सामान्य वर्ग से लेकर युवाओं, महिलाओं, किसानों, जनजाति समुदाय, इन सबको देश के विकास में मिलाने का बजट है। किसानों की प्रगति कैसे हो, उसका बजट है। ये एक ऐसा बजट है जिसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है और कोशिश ये है कि इस बजट से हमारे आर्थिक विकास को और गति मिले। सर, आजकल उत्तर प्रदेश विधानसभा जो चल रही है उसमें जो विपक्षी पार्टियां वो जाति जनगणना की बात कर रही हैं, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, वो क्या बात कर रही हैं वहाँ पर मुझे नहीं पता। एक बार पूरा जब विषय समझ में आएगा। यही है कि अखिलेश यादव ये चाहते हैं, मायावती ये चाहती हैं कि जातीय गणना किए जाए, उस पर बीजेपी का स्टैंड क्या है, आप क्या कहेंगे? सर, बीजेपी का स्टैंड बीजेपी के अध्यक्ष बताएंगे। गाजियाबाद में यूपी के 112 पुलिस के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। पिछले एक साल से जिन पीड़ितों ने भी यूपी 112 पर कॉल की वो गाजियाबाद कंट्रोल रूम की जगह दिल्ली को लगी है। ऐसे में 2500 लोगों को चिन्हित किया गया जिनकी कॉल गाजियाबाद की जगह दिल्ली लगी है। गाजियाबाद एडिशनल कमिश्नर दिनेश कुमार ने टेलीकॉम कंपनियों के साथ इसी संबंध में बैठक ली, जल्द निस्तारण की बात कही। फिलहाल इस समस्या से अभी तो कोई हल नहीं निकलता दिखाई दे रहा है, लेकिन लोगों को दिक्कत ना आए इसके लिए पुलिस ने अपने नंबर जारी किए हैं। अगर आप गाजियाबाद में रहते हैं और आपके साथ रास्ते में कोई बात हो जाती है, कोई घटना घटित हो जाती है, आप कॉल मिलाते हैं गाजियाबाद पुलिस को तो वो कॉल मिलती है दिल्ली पुलिस को। ऐसे 2500 से भी ज्यादा लोगों को चिन्हित किया गया है कि जिन्होंने मदद मांगी गाजियाबाद पुलिस के कंट्रोल रूम से, लेकिन वो कॉल मिली दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम में। इस बात से चिंतित होकर गाजियाबाद के एडिशनल कमिश्नर दिनेश पी ने टेलीकॉम कंपनियों के साथ एक मीटिंग की और मीटिंग कर उनसे कहा कि इस व्यवस्था को जल्द से जल्द सही किया जाए ताकि जो पीड़ित है, पीड़ित को गाजियाबाद पुलिस की सहायता सही समय पर मिल सके। जब तक ये व्यवस्था सही नहीं होती तब तक के लिए गाजियाबाद पुलिस ने अपने कुछ नंबर जारी किए हैं। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।